हेलो स्टूडेंट्स, आरसे एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में लेशन नंबर 6 अम्ले एवं लवण प्रवाहित मृदाएं डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज का टॉपिक है लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं की पहचान एवं उनमें अंतर। पिछली क्लास में अपन ने वर्गीकरण के बारे में बात की थी, आज अपन इनमें पहचान कैसे की जाती है कि किस तरह से अपने खेत की मृदा लवणीय है या क्षारीय है, उसकी पहचान कैसे करेंगे और उनमें अंतर क्या होता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। देखिए बच्चों, इसके लिए अपन ने पहचान में दो चीजें लिखी है, लवणीय मृदाओं में चाक्षुष लक्षण। देखिए बेटा, लवणीय मृदाओं में किसकी बात कर रहे हैं अपन, चाक्षुष लक्षण। देखिए बेटा, चाक्षुष का मतलब होता है चक्षु, और चक्षु को अपन हिंदी में कहते हैं आंख, मतलब ऐसे लक्षण जो आंख के द्वारा देखे जा सकते हैं उनको क्या जाता है, चाक्षुष लक्षण, अपन उसको देख सकते हैं। पहचान करने के लिए अपने पास में कौन से लक्षण देखेंगे अपन, चाक्षुष लक्षण जो आंखों के द्वारा देखे जा सकते हैं। जैसे लवणीय मृदाओं की बात करें अपन, किसकी बात करें, लवणीय मृदाओं की बात करें, तो लवणीय मृदाओं के लिए जो चाक्षुष लक्षण है वो क्या है कि गर्मी के समय में लवण की कौन सी परत दिखाई देती है, सफेद भूरी रंग की परत दिखाई देती है, जो किसके समान बन जाती है, राख के समान बन जाती है। गर्मी में लवण की सफेद भूरी रंग की परत होती है जो किसके समान दिखाई देती है, राख के समान दिखाई देती है। पत्तियां जो होती है पौधे की, जो उस मृदा में पौधा उगता है उसकी पत्तियां कैसी नीले रंग की होती है और उसके किनारे कैसे दिखाई देते हैं, झुलसे हुए, जैसे वो आग में जले हुए हो, आधे जले हुए, उसको बोलते हैं झुलसे हुए, किनारे झुलसे हुए दिखाई देते हैं। तथा पत्तियों में कौन सा रोग, क्लोरोसिस रोग, मतलब वहां पर क्लोरोफिल पर्ण हरित की कमी होती है, उसको बोलते हैं क्लोरोसिस। उत्तक से मतलब जो आपके पत्तियों में उत्तक पाए जाते हैं वो उत्तक क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि पत्तियों का रंग नीला, किनारे झुलसे हुए और उन पत्तियों में कौन सा क्लोरोसिस मतलब पर्णहरित की कमी और उत्तक से उत्तकों की कमी या उत्तक की मृत्यु हो जाती है। तथा जल की कमी हो जाने से पौधे क्या दिखाई देते हैं, मुरझे हुए दिखाई देते हैं, पौधे क्या दिखाई देते हैं, मुरझे हुए दिखाई देते हैं। ये है अपने पास में लवणीय मृदाओं में चाक्षुष लक्षण, बात समझ में आई, लवणीय मृदाओं में चाक्षुष लक्षण। अब बात करते हैं अपन क्षारीय मृदाओं में चाक्षुष लक्षण। सामान्यतः देखा गया है कि क्षारीय मृदाओं की पहचान करना बहुत कठिन होता है, फिर भी कुछ ऐसे आंखों से देखे जाने वाले लक्षण हैं जिनकी सहायता से अपन क्षारीय मृदाओं को पहचान सकते हैं। जैसे वर्षा में जल काफी समय तक भरा रहता है, अगर अपने खेत की मृदा कौन सी बेटा क्षारीय है, तो उस कंडीशन में जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल अधिक समय तक उस मृदा की सतह पर भरा रहता है। तथा सूखी दरारें पड़ जाती है, जब वो पानी आपका सूख जाएगा तो वहां पर दरारें पड़ जाती है। तथा पत्तियों का रंग कौन सा होता है, हरा रंग होता है, कौन सा होता है, हरा रंग, जबकि यहाँ पर कौन सा होता है बेटा, नीला रंग होता है। देख लीजिए इधर कौन सा होता है, यहाँ पर नीला रंग होता है। ये अपने पास में लवणीय मृदाओं के चाक्षुष लक्षण और क्षारीय मृदाओं की क्या है बेटा, चाक्षुष लक्षण है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में अंतर, लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में अंतर। क्लियर। तो यहां पर बात करें अपन किसके आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे अपन ईसी के आधार पर, फिर बात करेंगे अपन ईएसपी के आधार पर, फिर बात करेंगे अपन पीएच के मान के आधार पर, फिर बात करेंगे अपन किसमें मृदा सुधार कैसे किया जाता है, किन विधियों से किया जाता है, उसके आधार पर अपने यहाँ पर बात करेंगे। फिर अपना होगा कि कौन कौन से लवण उपस्थित होते हैं उसकी बात करेंगे, विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या क्रिया होती है उसके बारे में बात करेंगे अपन,
देखिए बच्चों, ईसी के मान के आधार पर अंतर करेंगे, ईएसपी के मान के आधार पर अंतर करेंगे, पीएस के मान के आधार पर अंतर करेंगे, क्योंकि इन तीनों के आधार पर अपन क्या कर सकते, क्या किया है अपन ने, लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय मृदाओं की परिभाषा अपन ने दी है। फिर मृदा सुधार की, ऐसी मृदा है तो उनको किन विधियों के द्वारा सुधारा जा सकता है। फिर बात करेंगे इसकी कि कौन कौन से लवण उसमें अधिकता से पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे अपन किसकी, विद्युत अपघट्य मिलाने पर, इसकी बात करिए बेटा, विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होता है, स्कंदन होता है या और कुछ क्रिया होती है। और लास्ट बिंदु है अंतर का, उच्च प्रासरण दाब पर जड़ों में क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका, क्लियर। तो यहां पर इन बिंदुओं की सहायता से अपन क्या करेंगे, लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, ईसी, ईसी क्या है आपकी, विद्युत चालकता, ईसी क्या है, विद्युत चालकता, जिसमें लवणीय मृदाओं का 4 डेसी सीमोस मीटर इनवर्स से क्या होती है, अधिक होती है, 4 डेसी सीमोस मीटर इनवर्स से अधिक होती है, कितने ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मतलब है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मतलब क्या हो गया बेटा, कमरे के ताप पर, क्या हो गया, कमरे के ताप पर। फिर बात करें अपन ईसी, सबसे ईसी का मतलब क्या हुआ, विद्युत चालकता, क्या हुआ, विद्युत चालकता, ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हिंदी में विद्युत चालकता, मात्रक डेसी सीमेंस मीटर इनवर्स, तो 4 इसका मान है, इससे अधिक किसमें होता है, लवणीय में, कितने ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। फिर बात करें अपन क्षारीय के लिए, तो 4 डेसी सीमोस मीटर इनवर्स से कम होती है, कितने ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, क्लियर। अब आती है ईएसपी, ईएसपी क्या होती है बेटा, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, क्या कहेंगे, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। तो देखिए बेटा, इसमें ईएसपी का मान क्या होगा, ईएसपी यहां पर 15% से क्या होगी, कम होगी, जबकि इधर क्या होगा, 15% से क्या होगा, अधिक होगा, बात क्लियर है, कोई दिक्कत। पीएच का मान आपको पता है कितना है, 8.5 से क्या है, कम है, जबकि इधर क्या होगा, 8.5 से क्या है, अधिक है। वही परिभाषा के मान आपको यहां रखने हैं, जो परिभाषा दी थी अपन ने, वही मान आपको लवणीय में, वही मान आपको क्षारीय में रख के क्या करना है, अंतर करना है। फिर बात करें अपन मृदा सुधार की, तो मृदा सुधार के लिए यहां पर क्या, यांत्रिक विधियां, मतलब अपन जो ट्रैक्टर वगैरह से अपन जुताई करते हैं, ऐसी विधियां अपन यहां पर काम में लेते हैं, लवणीय मृदा को सुधारने के लिए कौन सी यांत्रिक विधियां काम में ली जाती है, जबकि यहां पर यांत्रिक विधियों के साथ साथ कौन सी बेटा, यांत्रिक विधियों के साथ साथ रासायनिक विधियां भी काम में ली जाती है, रासायनिक विधियां भी काम में ली जाती है। आई बात समझ में, ईसी का मान, ईएसपी का मान, पीएच का मान, और फिर अपन ने कि इस मृदा को सुधारेंगे कैसे, तो यहां पर यांत्रिक विधियां, इधर इसमें क्षारीय में यांत्रिक के साथ साथ रासायनिक विधियां भी प्रयुक्त की जाती है, क्लियर। यहां पर NaCl, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, क्या नाम है बेटा इनके, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, लवण अधिकता से पाए जाते हैं, जबकि यहां पर कौन सा, सोडियम कार्बोनेट लवण अधिकता से पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लवण किसमें, लवणीय मृदा में, जबकि सोडियम कार्बोनेट किसमें, क्षारीय मृदा में, क्लियर। अब आता है विद्युत अपघट्य मिलाने पर, कि अपना मृदा है, मृदा की सतह पर जल है, तो क्या बन गया वो, मृदा विलयन, क्या बन गया बेटा, मृदा विलयन। तो
उसमें अपन ने कोई भी विद्युत अपघट्य मिला दिया। अब बात आती है विद्युत अपघट्य क्या होता है। ऐसा विलयन या ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में किसमें आयनों में विभाजित हो जाता है क्या कहलाता है विद्युत अपघट्य कहलाता है। अगर अपन ने मृदा में क्या मिला दिया विद्युत अपघट्य कौन सी में लवणीय में और क्षारीय में तो कौन सी क्रिया होगी यहां पर जो होती है उसको बोलते हैं उन्नीपिंडन। उन्नीपिंडन मतलब ये पढ़ चुके अपन पहले उन्नीपिंडन का मतलब होता है मृदा विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर मृदा आयनों का समूहों में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है उन्नीपिंडन और उनका टूट जाना वी उन्नीपिंडन। क्लियर। तो लवणीय मृदा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या हो जाता है उन्नीपिंडन हो जाता है जबकि क्षारीय मृदा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर मृदा का क्या होता है प्रकीर्णन हो जाता है क्या हो जाता है प्रकीर्णन हो जाता है टूट जाती है कणों में बिखर जाती है क्या कहेंगे उसको मृदा प्रकीर्णन। आपने प्रकाश प्रकीर्णन पढ़ा होगा तो सेम चीज वही है मृदा प्रकीर्णन मृदा के कणों का विभाजित होना किसकी उपस्थिति में विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में। राइट। यहां पर उच्च प्रासरण दाब में इसमें उच्च प्रासरण दाब में जो आपकी जड़ है पादप की उस पर क्या पड़ता है बुरा प्रभाव पड़ता है क्या होता है बुरा प्रभाव पड़ता है। इधर भी सेम है बुरा प्रभाव पड़ता है अंतर नहीं है इसमें जड़े दोनों की समान है। उच्च प्रासरण दाब होने पर लवणीय मृदा के पौधे की जड़ों पर क्या होता है बुरा प्रभाव पड़ता है। समान क्षारीय मृदा के पौधे में उच्च प्रासरण दाब होने पर उसकी जड़ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्लियर बेटा। इस तरह से इन बिंदुओं की सहायता से क्या कर लिया अपने लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में अंतर कर लिया इससे पहले इनकी पहचान की थी। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।